सबसे पहले चिकन मैरिनेट करेंगे, उसके लिए मैंने ये एक चिकन ब्रेस्ट पीस ले लिया था और उसको मैंने जो है वो थिनली जो है वो स्लाइस कर लिया है। अब इसके अंदर मैरिनेशन के लिए मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब जो है मैं इसके अंदर सोया सॉस डाल रही हूँ। चॉप्ड गार्लिक है 2 बारीक से चॉप हुए हैं, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसके साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, मेरे पास बेकिंग सोडा है, ये मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। और बेकिंग सोडा के साथ ये मेरे पास एक अंडे की जो है सफ़ेदी है, एग वाइट 1, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। चाहिए बेकिंग सोडा एंड एग वाइट, ये चिकन को जो है वो टेंडर एंड मॉइस्ट रखने के लिए है। चिकन आपकी जो है वो मॉइस्ट एंड जूसी रहेगी। बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा नॉट पाउडर बेकिंग पाउडर एंड एग वाइट डालने से। और इसके साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्च एंड 1/4 टीस्पून के करीब सॉल्ट। सॉल्ट अभी हम इसमें ज़्यादा नहीं डाल रहे क्योंकि इसमें सोया सॉस भी है और आगे भी जो है वो हम सोया सॉस एंड सॉल्ट यूज़ करेंगे, तो अभी हम बिल्कुल हल्का सा ही सॉल्ट इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके और अब मैं चिकन को मैरिनेट होने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ओके जी, अब नेक्स्ट हम जो है वो अपने चाउमीन का सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक बोल में 2 टेबलस्पून सोया सॉस ले रही हूँ, डार्क सोया सॉस, रेगुलर सोया सॉस, जो भी आपके पास आप यूज़ कर सकते हैं सोया सॉस के साथ। अब इसके अंदर मैं 1.5 टेबलस्पून भर के हॉइज़न सॉस डाल रही हूँ, आप ऑयस्टर सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हॉइज़न सॉस डाल रही हूँ इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून। इसके साथ अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून, मेरे पास जो है वो राइस विनेगर है, ये भी डाल रही हूँ मैं। आपके पास राइस विनेगर नहीं है तो आप रेगुलर विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के सेसमी ऑयल, ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर देता है चाउमीन एंड फ्राइड राइस वगैरह को, तो ये ज़रूरी है डालना। 1 टेबलस्पून हमारे पास सेसमी ऑयल डाल दिया हमने। और इसके साथ एक और चीज़ जो मैं इसमें डालूंगी, ये मेरे पास सांबाल ओलेक है जो कि चाइनीज़ ग्राउंड चिली पेस्ट होता है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें। मैं इसके अंदर अभी 1 टीस्पून जो है वो भर के डाल रही हूँ। एंड एक और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है 1 टीस्पून शुगर, स्वीट एंड सावर टेस्ट जो है वो एडजस्ट करने के लिए शुगर हम डालेंगे। वाइट एंड ब्राउन जो भी शुगर है आपके पास वो आप ऐड कर दें। उन सबको डाल के और उसको मिक्स करके और ये हमारा चाउमीन का सॉस तैयार है। ओके, चाउमीन नूडल्स के लिए ये मेरे पास जो है वो स्टर फ्राई नूडल्स हैं चाउमीन के लिए, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो जाता है। आपके पास अगर ये वाले नूडल्स नहीं हैं तो फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप वो नूडल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये पानी गर्म करते हुए मैंने इसके अंदर जो है 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल दिया था और बस अब इसको मैं 2 से 3 मिनट नूडल्स को जो है इसमें बॉईल करूँगी और उसके बाद मैं इसको इसका पानी फेंक के इसको ठंडे पानी से रिंस करके और साइड पर रख दूँगी। ओके, मैंने जो है वो कढ़ाई चढ़ा दी थी, ये बिल्कुल गर्म हो गई है, अब इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी। ओके, कढ़ाई बिल्कुल तेज़ गर्म रखनी है, आपको शायद नज़र आ रहा है उससे धुआं निकल रहा है, इस तरह से हमने इसको रखना है। और इसके अंदर मैं तो इसी चीज़ हमने मैरिनेट किया था ये मैं डाल दूंगी और इसको 2 से 3 मिनट में स्टर फ्राई करूंगी। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बोल सारा चिकन निकाल के इसको मैं जो है वो साइड पे रखूँगी। और अब इसी पैन में जिसमें हमने चिकन बनाया है इसको मैं हल्का सा वाइप कर लेती हूँ। अब इसी वॉक में मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी
ऑयल डाल के अब इसके अंदर मेरे पास चॉप्ड गार्लिक है, ये मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ इसके अंदर। जितने ज़्यादा गार्लिक उतने ही मज़ेदार चाउमिन बनेगा। और गार्लिक के साथ 1/2 टेबलस्पून में ये जिंजर भी मेरे पास चॉप्ड हुई हुई है, ये मैं 1/2 टेबलस्पून जिंजर डाल दूँ। और जिंजर गार्लिक के साथ मेरे पास हरी प्याज का जो वाइट पार्ट होता है वो मैं डाल दूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। सबको डाल के फ्राई करेंगे। थर्टी 5 सेकेंड को फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं अपनी तमाम जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करूँगी। चूल्हा हम हाई पे कर लेते हैं। वेजिटेबल्स में सबसे पहले मेरे पास ये गाजर है, तकरीबन 1/2 कप के करीब ये गाजर है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक जो है वो जूलियन काट लिया है। तो जा रहा है हल्का सा मिक्स करते हैं। गाजर सबसे पहले इसलिए डालिए क्योंकि गाजर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है बाकी सब्जियों के मुकाबले में। 10-15 सेकेंड गाजर को फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं बाकी की सब्जियां ऐड करूँगी जिसमें मेरे पास शिमला मिर्च है, एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च मैंने ले ली थी, ये मैंने इसमें डाल दी है। शिमला मिर्च के साथ मेरे पास ये बंद गोभी है, इसको भी मैंने बिल्कुल जो है वो बारीक सा जो है वो काटा हुआ है। तकरीबन 1 कप भर के मेरे पास बंद गोभी है, कैबेज अच्छी तरह से स्टर फ्राई करेंगे। आज हमने चूल्हे की बिल्कुल जो है वो हाई पे रखी हुई है, हाई फ्लेम पे सारा काम होगा। तो 30-35 सेकेंड फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हमारी जो हमने नूडल्स जो है वो ड्रेन करके रखे हुए थे ठंडे पानी में, ये सारे इसके अंदर डाल दिए मैंने। अच्छा जी, नूडल्स डालने के बाद अब जो एक चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नूडल्स को फाइट से करके, ये मेरे पास चाइनीज़ चिली ऑयल है। ये चाइनीज़ चिली ऑयल की रेसिपी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं। ये चिली ऑयल हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर ऐड करता है ये ऑयल इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जो हमने चिकन अपना फ्राई किया था ये इसके अंदर डाल दिया है। चिकन फ्राई करने के साथ ये जो हमने अपना चाउमिन सॉस बनाया था ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। क्विकली स्टर फ्राई करेंगे। ओके जी, फाइनल स्टेप के अंदर जो मैं ऐड करूंगी वो सम मोर चॉप्ड गार्लिक। ये लास्ट में ऐड करने से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है, गार्लिक की फ्लेवर आता है गार्लिक। एंड देन हमारे जो स्प्रिंग अनियन है ग्रीन अनियन उसके ऊपर वाला ग्रीन पार्ट ये ऐड करके क्विक स्टर कर देंगे। एंड देन मिक्स करने के बाद अब लास्ट में मैं हल्का सा इसके अंदर ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टीस्पून एंड सॉल्ट, आप सीजन चेक करके और फिर सीजनिंग चेक करके और फिर ऐड कर लें जितनी भी आपको ज़रूरत है। मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है डाल के, और लास्ट में इसके अंदर सम मोर चिली ऑयल ऊपर से हम ड्रिजल कर देंगे एंड सम
sesame oil. Final mixing. और ये हमारे चिकन चाउमिन रेडी है. तो ये थी हमारी आज की इजी सिंपल सी मज़ेदार चिकन चाउमिन की रेसिपी. तो यानी अब आप भी घर बैठे बआसानी चाइनीज़ रेस्टोरेंट जैसा चाउमिन बना सकते हैं और उसे इंजॉय कर सकते हैं. इसको बना के और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपने इसको ट्राई किया तो रिज़ल्ट कैसा रहा, और रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया.